जय जिनेंद्र, नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर निकिता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे हम कफ को बढ़ाने वाली चीजों के बारे में, बलगम बढ़ाने वाले फूड आइटम्स के बारे में कि कैसे आप क्या चीजें लेते हैं जिससे आपका बलगम बना ही रहता है, चाहे आप कितनी भी मेडिसिन खा लें आपका कफ ठीक नहीं होता। तो उन फूड आइटम्स को आप कैसे अपनी डाइट से एलिमिनेट कर सकते हैं, और अगर आप वो खाना भी चाहते हैं तो उसके साथ क्या ऐसी चीजें ऐड करें जिससे वो आपका बलगम और नहीं बढ़ाए, और ऐसी क्या चीजें आप डाइट में ऐड करें जिससे कि आपका कफ या बलगम जो है वो बिल्कुल खत्म होता जाए, विद मेडिसिन भी आपको आराम लगे और बिना मेडिसिन भी आपको आराम हो जाए, इसी के बारे में ये वीडियो। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको इस वीडियो का पूरा लाभ मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरे चैनल का लाभ ले सके। ऐसा फूड आइटम जो आपको सबसे पहले अपनी डेली रूटीन से, डेली लाइफ से निकाल फेंकना चाहिए, वो पहला आइटम है जो आपके कफ को बहुत ज्यादा बना देता है, वो है ब्रेड। चाहे व्हाइट ब्रेड हो, चाहे आटा ब्रेड हो, मैदा की बनी हुई हो, आटा की बनी हुई हो, जो भी ब्रेड होती है इसके अंदर ऐसी चीजें डाली जाती है जो आपके कफ को बढ़ाने का काम करती है, क्योंकि आटा जो होता है इसका बहुत ज्यादा चिकना हो जाता है और जो प्रोसेस्ड किया हुआ होता है कई बार ये स्टल फूड भी हो जाता है, बासी भी हो जाती है। अगर आप फ्रेश ब्रेड भी खा रहे हैं तो भी आपके कफ को बढ़ाने का काम करेगी, तो ये आपको नहीं लेनी चाहिए। इसकी जगह आप जो घर की चपाती होती है इन सब चीजों को अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं ताकि आपका कफ कम से कम बने। साथ ही अगर आप ब्रेड लेते ही हैं, आटा ब्रेड अगर आप लेते हैं, तो आपको इतनी सारी वेजिटेबल्स उसमें डालनी चाहिए जिससे कि आपका कफ कम बने, लेकिन स्टिल ब्रेड आपके कफ को एनहेंस करने का काम करती है। और अगर आप अस्थमेटिक है या आपको एलर्जी वाली खांसी चलती है तो सबसे बेकार चीज जो है वो ब्रेड ही है। दूसरा जो फूड आइटम आपको निकालना है वो है शुगर। अगर आप शुगर किसी भी फॉर्म में लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान करती है। शक्कर चीनी जिसको हम कहते हैं, सफेद शक्कर जो होती है स्पेशली, वो बहुत ज्यादा आपको नुकसान करती है। ये आपकी जो कफ है उसको बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करती है, एलर्जी कॉज कर सकती है। इसके अलावा अगर आप गुड़ के रूप में, शहद के रूप में इसको यूज करते हैं, मीठा इसको लाना चाहते हैं अगर अपने फूड में, तो गुड़ और अगर हनी का आप यूज करते हैं तो ये कम नुकसानदायक होती है, ये आपके बलगम को कम बनाती है। तीसरी जो चीज है वो है प्रोसेस्ड फूड। जो भी पैक्ड फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं जिनको आप बहुत ज्यादा प्रोसेस करते हैं, बेकरी फूड आइटम्स होते हैं या जो पैकेज्ड फूड होते हैं, ये बहुत ज्यादा आपको नुकसान करते हैं, बलगम बनाने का काम करते हैं। स्पेशली जो प्रोसेस्ड मीट होता है उससे बहुत ज्यादा बलगम बनता है। तो आपको इन सब चीजों को, प्रोसेस्ड फूड जो है उसकी जगह आपको ऐसे डेली आइटम्स यूज करने चाहिए जो ज्यादा पैक्ड ना हो, जिनको ज्यादा प्रोसेस नहीं किया हो, तो ये आपके बलगम को कम करने में आपकी मदद करेंगे। नेक्स्ट जो चीज है जिससे बहुत ज्यादा कफ बनता है वो है मिल्क कर्ड, यानी कि जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपके कफ को बढ़ाने का काम करते हैं। दही अगर आप खाना चाहते हैं तो आप दिन में खा लीजिए, रूम टेम्परेचर वाला खाइए, उसके अंदर कोशिश कीजिए कि आप कुछ चीजें ऐड कर दें, डायरेक्ट दही नहीं खाए, और फिर भी आप खाते हैं तो भी बहुत कम मात्रा में खाइए। 4 बजे बाद अगर आप दही खाते हैं तो ये आपका कफ बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अगर दही में आप काली मिर्च, अदरक या बूंदी का रायता या बेसन की जो चीज होती है, पकौड़ी जो होती है, वो उसमें डाल के अगर आप रायते के रूप में खाते हैं, थोड़ा सा उसमें गरम मसाला अगर ऐड कर देते हैं तो दही आपको कम नुकसान करेगा, स्टिल कफ बनाने का काम ये करता है। ये तो कम से कम आपको लेना है। मिल्क की अगर बात करें, अगर आप मिल्क लेना चाहते हैं तो आप हल्दी वाला मिल्क ले सकते हैं, अदरक, तुलसी, काली मिर्च, ये सारी चीजें डालकर, गरम मसाला डालकर अगर आप दूध पीते हैं तो ये कम कफ बनाएगा। स्टिल ये जो चीज होती है ये आपके कफ को बढ़ाने का काम करती है। स्पेशली जो अस्थमेटिक लोग होते हैं उनको मिल्क का सेवन बहुत ध्यान से करना चाहिए। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट्स की जहां बात चल रही है, डेयरी प्रोडक्ट्स की जहां बात चल रही है, तो चीज भी ऐसी चीज है जो प्रोसेस्ड होती है और ये भी आपके कफ को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करती है। तो चीज आपको बहुत लिमिटेड मात्रा में लेनी। पनीर भी अगर आप लेते हैं तो पनीर भी बढ़ाता है, हालांकि कम मात्रा में लीजिए, सब्जियों के साथ लीजिए, गर्म मसाले के साथ लीजिए, तो उसका इफेक्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो चीज है जो आपका कफ बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम करती है उसका नाम है कॉर्न। मक्का, जिसको स्पेशली जो अमेरिकन भुट्टा होता है ये आपके कफ को बढ़ाने का काम करता है। इंडियन भुट्टा जो होता है उसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम है, स्टिल ये फाइबर लेस होते हैं, चिकने होते हैं, इस वजह से आपका म्यूकस जो है उसको इंक्रीज करने का काम करता है। अस्थमेटिक लोग जो होते हैं कई बार हिस्टामिन उनमें बनने लगता है। कॉर्न एलर्जी भी आपने सुनी होगी, जिन लोगों को इससे एलर्जी होती है उन लोगों को कफ इससे और ज्यादा बनता है। नेक्स्ट जो चीज है जो कफ को एनहेंस करने का काम करती है वो है पीनट्स। पीनट्स स्पेशली इसके अंदर ऑयल होता है
और ऑयल और घी जो होते हैं ये भी आपके कफ को बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ये चिकने होते हैं, पहले ही आपका म्यूकस सिक्रेशन ज्यादा है तो ये म्यूकस सिक्रेशन को और बढ़ाएगी। पीनट्स एलर्जी भी आपने सुनी होगी, जिन लोगों को एलर्जी होती है उनको बहुत तेज कफ इससे बनने लगता है। अगर आप पीनट्स किसी भी फॉर्म में खाते हैं तो उसके साथ आपको, अगर एलर्जी नहीं है और आप पीनट्स खाते हैं तो उसके साथ आपको कुछ और चीजें भी ऐड करनी चाहिए। पीनट्स खाइए तो डायरेक्ट उसके ऊपर स्पेशली पानी नहीं पीना चाहिए, और बहुत सारी दूसरी चीजें के साथ अगर आप इनको ऐड करके खाते हैं तो इसका जो इफेक्ट है थोड़ा सा कम हो जाएगा। स्टिल ये एक म्यूकस प्रोटेक्टिंग फूड जरूर है। इसके अलावा अगर हम कफ इनहेंस करने वाली चीजों की बात करें तो जो स्टेल फूड होता है, बासी फूड होता है, रात का भोजन जो होता है वो भी आपको कफ बढ़ाने का काम कर सकता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा नमक भी आपके कफ को बढ़ाने का काम करता है। आपने सुना होगा कि आप गर्म पानी में हल्का सा नमक डाल के अगर गरारे करते हैं तो वो आपको आराम देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नमक से कफ हटाने का काम भी करते हैं, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा साल्टी फूड खा रहे हैं और आप अगर सोच रहे हैं कि आपको कफ कम होगा तो ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा साल्टी फूड भी आपके कफ को बढ़ा सकता है, बलगम को बढ़ा सकता है। रीजन है उसके अंदर बहुत ज्यादा सोडियम होता है, और बहुत ज्यादा सोडियम जहां होता है तो वहां इन्फ्लामेशन आने लगता है, सूजन आने लगती है। और जैसे ही ये सूजन इंक्रीज होगी, आपकी बॉडी में कहीं पर भी इंक्रीज हो रही है, अगर आपकी ट्रेकिया में इंक्रीज हो रही है, आपकी जो श्वास नली है इसके यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो ये आपके म्यूकस को बढ़ाने का काम करेगी। तो बहुत ज्यादा नमक भी आपको नहीं खाना है, नॉर्मल नमक अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अति हर चीज की बुरी होती है, तो यही बात मैं कहना चाहूंगी कि अगर ज्यादा नमक खा रहे हैं और ज्यादा साल्टी फूड खा रहे हैं तो भी ये आपके कफ को इंक्रीज कर सकता है। इसके अलावा अगर हम कफ इंक्रीजिंग फूड की और बात करें तो ऑनियन जो है, अगर आप ऐसे ही ऑनियन खाते हैं और सब्जियों में खाते हैं तो ये कभी कभी बहुत ज्यादा चिकना होने की वजह से आपका म्यूकस सिक्रेशन बढ़ा देता है। यही चीज टमाटर भी करते हैं, अगर आप टमाटर चॉप करके खाते हैं तो किसी किसी लोगों को क्या होता है कि जो इसका छिलका होता है वो भी कफ इंक्रीज कर देता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आपको कफ की स्पेशली अस्थमा की प्रॉब्लम है, एलर्जिक खांसी की प्रॉब्लम है, तो आपको प्याज और अगर आप टमाटर खा रहे हैं तो उनको पीस कर ग्रेवी बनाकर खाइए। अगर आप डायरेक्ट ऐसे खाते हैं तो कभी कभी ये कफ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट्स जो होती है ये भी आपके कफ इंक्रीज करने का काम करती है। केक के बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी होते हैं ये आपके, बहुत ज्यादा तेल घी वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये आपके कफ को इंक्रीज करने का काम करता है। इसके अलावा जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोका कोला, थम्सअप, जो भी ये सारे ब्रांड्स हैं, इनसे जो आपको ड्रिंक्स आप जो भी पीते हैं, ठंडे ड्रिंक्स जो पीते हैं, सोडा अगर आप पीते हैं, तो इससे भी हो सकता है कि आपका कफ इंक्रीज हो जाए। एग्स भी कई बार आपका कफ इंक्रीज करने का काम करते हैं, क्योंकि ये कई बार एलर्जी कॉज करते हैं और इससे कई बार आपकी बॉडी में हिस्टामिन प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, चिकने होते हैं, तो ये आपकी बॉडी में कभी कभी कफ इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको कफ बढ़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा एक और बनाना भी है, आप नॉर्मली तौर पे बनाना खा सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपका कफ हो रहा होता है और आप अगर बनाना खाते हैं तो ये कफ आपका और भी बढ़ा देता है। तो इसके साथ आपको ध्यान रखना है, अगर आप बनाना खा रहे हैं साथ में इलायची, काली मिर्च या ऐसी कोई चीज जरूर लें जिससे कि आपका कफ ज्यादा नहीं बने, क्योंकि बनाना चिकना होता है और ये कई बार म्यूकस प्रोडक्ट करने का, म्यूकस बढ़ाने का काम करता है। अब बात करते हैं कि हम ऐसी क्या चीज खाएं जिससे कि हमारा म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो कम से कम हो। तो अदरक ऐसी चीज है जो आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए। अदरक और शहद मिला के खाने से भी कफ बहुत कम होता है, स्पेशली अदरक और शहद का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। दूसरी जो चीज आपको डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए वो है बेसन। बेसन किसी भी फॉर्म में अगर आप खाते हैं तो ये आपके शरीर से पानी को सोखने का काम करती है, और पानी का सोखने से आपका म्यूकस सिक्रेशन है, अगर आपको पतला जुकाम है तो ये बहुत तेजी से आपका जुकाम सोखने का काम करेगा, आपका जुकाम कम करने का काम करेगा। तीसरी चीज जो आपको आपकी डाइट में जरूर शामिल करनी चाहिए वो है गर्म पानी। अगर आप डेली बेसिस पे गर्म पानी लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो म्यूकस चिपका हुआ है नली में, श्वास नली में, कहीं पे भी म्यूकस चिपका हुआ है नोज में, तो उसको खत्म होने में, उसको इजीली क्लीन होने में हेल्प मिलती है, साफ होने में हेल्प मिलती है, और आपको बहुत तेजी से ये कफ रिड्यूस करने में मदद करता है। चौथी और अंतिम चीज जो है जो आपको बहुत ज्यादा फायदा करती है कफ कम करने में, वो है प्याज, नींबू और नमक का कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि प्याज और टमाटर से कभी कभी बहुत कफ प्रोड्यूस हो जाता है किन्हीं किन्हीं पर्सन में, लेकिन प्याज में अगर आप एक निश्चित मात्रा में नींबू और नमक मिलाकर खाते हैं तो यही प्याज आपके कफ को कम करने का काम करता है। तो यही सब था कफ कम करने वाली चीजों के बारे में, और
कफ बढ़ाने वाली चीजों के बारे में। कैसा लगा वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हम उससे शेयर कर सकते हैं, पूरा ट्राई करूंगी उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।